सैमसंग गैलेक्सी M31। हाँ गाइज, आप लोगों को पता है यहाँ पे सैमसंग का बहुत सारे मतलब ये जो एम सीरीज है ये बहुत ज्यादा चलती है, और अब यहाँ पे ये एम सीरीज ए सीरीज को टक्कर देती है। भाई ये क्या बात है, आपको पता ही है। तो भाई यहाँ पे आने वाला है सैमसंग का M31 और M21 भी आ रहा है, बट इस वक्त हम बात करेंगे M31 के बारे में, और M21 का वीडियो आएगा आगे देखिएगा। तो गाइज इस वक्त बात करते हैं ऐसी नए स्मार्टफोन के बारे में, M31 कैसा होने वाला है कैसा नहीं, तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो सैमसंग का M31 होने वाला है, मैंने इसके ऊपर पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। देखिए M30S जो था बहुत बढ़िया फोन था, M30 भी मुझे पर्सनली अच्छा लगा था, बट कुछ जगहों में ठीक नहीं था, बट हाँ M30S हर जगह से अच्छा था यार, प्राइस मामले में हर जगह जो M30S था वो बहुत अच्छा था। अब हम M31 से भी एक्सपेक्ट करेंगे ना यार कि अच्छा होगा। तो चलिए सबसे मैं बात करूंगा मैं स्पेसिफिकेशन के बारे में, देन बाद में बात करेंगे कब लॉन्च हो रहा है, क्या प्राइस के साथ लॉन्च हो रहा है। तो स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ। डिजाइन में सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पे यार पता नहीं क्या है सैमसंग का कि एक साल में वो जो एक डिजाइन लॉन्च कर देते हैं ना वही डिजाइन चलता है भाई, ये बात तो है माने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है एकदम जैसा हमें A51 में डिजाइन मिलेगा वैसे ही हमें यहाँ पे मिलेगा। और हाँ मैं आपको बता दूँ, पहले हमें लीक्स आ रही थी कि 3 कैमरा होंगे पीछे, मगर नहीं अब लीक्स आ रही है कि हमें 4 कैमरा मिलेगा, माइक्रो लेंस भी मिलने वाला है, तो मतलब भाई खुशी मना लो ठीक है। तो 4 कैमरा मिलने वाले हैं तो ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से। बात कर लेता हूँ डिस्प्ले के बारे में अब, तो यहाँ पे मिलने वाला है 6.4 इंच का एक फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले, जो एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, सेंटर में पंचोल होगी, तो आई थिंक 15,000 या अराउंड 13,000-14,000 में आता है जो ये सीरीज है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटेट करता है A51 की सीरीज, जो A50 वाली सीरीज है इसको करता है। अभी A51 का जो आया भाई 23,000 ना, अभी इंडिया में आया नहीं अभी तक, मगर जब भी आएगा तो 22-23,000 रुपये करीब आने वाला है, तो कहाँ 22-23 और कहाँ 15, तो ये आप दूर देख सकते हो, तो इसमें बहुत बड़ा वो हो जाता है अंतर। तो मेरे हिसाब से ये जो फोन होगा ये बहुत बढ़िया होने वाला है, तो वही बात कर ली जाए इसका। हाँ तो डिस्प्ले मेरे को बहुत बढ़िया लगा है इसका, सेंटर में पंच होल है, सुपर एमोलेड पैनल है, लेट्स सी फिंगरप्रिंट सेंसर भी होना चाहिए डिस्प्ले, लेट्स सी। वही बात कर ली जाए गाइस इस फोन के यहाँ पे चिपसेट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए दो लीक्स आ रही है कि यार यहाँ पे हमें दो चिपसेट मिल सकते हैं, एक है एक बैड न्यूज और एक है गुड न्यूज। देखिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमें एक्सिनोस का 9611 वाला चिपसेट भी देखने मिल सकता है, जो आपको पता है A51 के साथ हमें देखने मिला और भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स में मिल रहा है। तो यार मुझे ये पर्सनली ये चिपसेट ठीक है, बट ये जो चिपसेट है ये आई थिंक 10-12,000 रुपए वाले फोन के लिए ठीक चलेगा, बट 15,000 वाले में 20-22,000 रुपए वाले में मुझे नहीं लगता ये से जमता है। और दूसरी जो खबर है वो है कि एक्सिनोस का 9630 जो आप लोगों को पता है बहुत बढ़िया चिपसेट है एक्सिनोस की तरफ से, ये चिपसेट पता नहीं वो यूज क्यों नहीं कर रहे हैं ज्यादा कहीं, बट ये यूज करना चाहिए उन्हें, और एक्सिनोस 9630 बहुत पावरफुल चिपसेट है कंपेयर टू 9611, तो लेट्स सी इसे यूज करें तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। वही बात कर ली जाए यहाँ पे अब गाइज कैमराज के बारे में, क्या कैमराज हम इस फोन के अंदर देखने मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें क्वाड कैमराज मिलने वाले हैं, तो क्वाड कैमरा भाई खुशी मनाओ क्वाड कैमराज मिलने वाले हैं। इस बार हमें जो है वो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, देन अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर, माइक्रो लेंस, तो कैमरा बहुत बहुत अच्छे होने वाले, A51 से बेटर होंगे। सेल्फी कैमरा बात करता हूँ, मैंने ऐसा बताया था सेंटर में पंचोल होगी, तो यहाँ पे मिलने वाली है, यहाँ पे हमें 32 मेगापिक्सल नहीं मिलेगी क्योंकि भाई कुछ ना कुछ जगहों में कॉम्प्रोमाइज करेगा ये फोन, तो यहाँ पे हमें 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने मिलने वाली है, तो आई थिंक 20 मेगापिक्सल में भी काम चल जाएगा आपका बढ़िया, क्योंकि सैमसंग की परफॉर्मेंस आप लोगों को पता ही है बढ़िया होती है, अप टू द मार्क होती है, तो वो अलग ही बात है। वही बात करते हैं मिलने वाली है 5000 mAh की बैटरी, टाइप सी मिलेगा, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। M30S में हमें मिली थी 6000 mAh बैटरी, इधर मिलेगी हमें 5000 mAh की बैटरी, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे तो M30S से हमने बहुत सारी चीजें अपग्रेड की हैं, सेंटर पंच होल, सुपर एमोलेड पैनल, पिछली बार भी था, बट हाँ बहुत सारी चीजें मैं देखता हूँ तो अच्छा काम किया है, तो वहीं पे इसलिए बैटरी इस बार थोड़ी कम है, मतलब उनके काम से कहता हूँ 5000 बहुत है, फास्ट चार्जिंग में मिल जाएगा 18 वोल्ट या तो ऐसे 15 वोल्ट का मिल जाने वाला है। बात कर ली UI के बारे में, एंड्रॉइड 10 आउट द बॉक्स, UI 2.0 के साथ ये रन करेगा, तो खुशी इसमें भी आप लोग मना सकते हैं। बात कर ली जाए फाइनली प्राइस के बारे में, तो मैंने ऐसे बताया इस फोन का प्राइस अंडर 15,000 होगा, और मैं पर्सनली चाहता ही हूँ कि इस फोन का प्राइस अंडर 15,000 हो, मगर हाँ एक्सिनोस के 9630 के साथ आए जब बेटर रहेगा, एक्सिनोस का 9611 के साथ आता है तो आई डोंट थिंक कि कोई ज्यादा अप टू द मार्क काम करेगा, बिकॉज फिर हमें तो A51 में मिल रहा है क्या मतलब रह जाएगा, बट हाँ इस फोन का एक बात है कि प्राइस कम ही होगा, 15,000 के अंडर ही होगा, तो ये बात सही रहेगी। और ये A51 मैं चाहता हूँ A51 ना लें लोग और ये वाला फोन ले लें, बिकॉज ये सब कम होगा और बढ़िया होगा। हाँ तो बस गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों को पसंद आई है तो यार लाइक करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट आप लोगों के लिए आने वाले हैं, और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।